और जिस भैंस की वीडियो बनाने हम पहुंचे हैं आज, ये बिल्कुल हमारे गांव के श्याम जी मंदिर के बिल्कुल पास में मकान पड़ता है। और आप बिल्कुल जमोला गांव में आए तो श्याम जी मंदिर के पास आ जाएं और चांद की भैंस पूछ लें, क्योंकि बिल्कुल श्याम मंदिर के पास में मकान पड़ता है चांद जी का। तो मिलते हैं चांद जी से। मैं जसवीर सिंह आज अपने खुद ही गांव की भैंस की वीडियो बनाने पहुंचा हूं। आज अजय तो आ नहीं पाए, उनकी कमी तो आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका जो बात करने अंदाज़ है वो निराला ही है, काफ़ी पसंद किया जाता है हमारे जो दर्शकों का, काफ़ी पसंद करते हैं जेविंद रोली की आवाज़ को। तो आज ये भैंस की आज मैं पूरी डिटेल बताऊँगा, जो कि मेरे अंकल हैं, रिश्ते में अंकल लगते हैं चांद, तो उनकी भैंस है ये। और जो चांद जी हैं वो हमारे गांव के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। अंकल जी राम राम। राम राम। जैसे ठीक हो? ठीक। तो कितनी आई था अपनी? 6-7 की। 6-7 की। मेहनती व्यक्ति हैं भाई काफी, जो मंदिर में सेवा का काम हो या अपने गांव में किसी प्रकार के भाईचारे का काम, हर जगह तैयार रहते हैं। सबसे पहले मैं इस भैंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो भैंस की क्वालिटी है, जैसे पूंछ देख सकते हैं आप, ये वाइट है थोड़ी ही एक, और जो इसका पीठ पुठा है मध्यम प्रकार का है, और जो इसका शरीर है काफ़ी हरा भरा, और जो सींग देख सको थोड़े बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मुंह भी काफ़ी थोड़ी देखने में आपको बड़ी ज़रूर नज़र आएगी। और जो इसके थन हैं, दो थन की भैंस है भाई, जो कि बहुत ही शुभ भैंस मानी जाती है हमारे हरियाणा के पशुपालन में। तो ये दो थन की जोटी है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे अंकल जी से, एक कौन सा इसका ब्याथ है, कितने में आज इसको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। कितने दिन रह रहे इसके ब्याने के? इसका 20-22 फरवरी का ब्याथ है। 20-22 फरवरी का? हाँ। यानी कि आज आप बात कराना 10 तारीख को? 10-12 तारीख। 10-12 दिन रह गए। 10-12 दिन और बाकी हैं। हाँ। तो इसका और दिखाव होगा अभी तक? हाँ, और दिखाव होगा, ये भी 10 दिन तक हुक्म होगा। की किस जोटे तक बिन करवा रहे थे आपने? सिमन दरवाया था और जो उसका दूध रिकॉर्ड है ना, उसकी मांग 28 किलो दूध का, काफी अच्छा जोटा है गाँव का। कौन से ब्यात में है ये? तीसरा ब्यात में। तीसरा में? तो जानकारी दो ना, सच्ची जानकारी दी हो। हाँ, सच्ची बिल्कुल। देखो मेरा गाँव से ही आप है, तो मेरे को लगभग सारे हरियाणा भारत से देखे हैं। तो मैं ना कहूँ भाई जसवीर ने भाई गलत जानकारी दुआ दी ना, सही बतावा है। थोड़ी देखने में बड़ी ही नजर आ रही है। हाँ, थोड़े सींग है। हाँ, खुले खुले सींग है। हाँ। ये अपनी घर की जोटी है? घर की कटड़ी। घर की कटड़ी है। हाँ। तो अभी यह तीसरे ब्याथ में है। हाँ। तो इसका दूसरे ब्याथ का कितना दूध है? दूसरे ब्याथ का 14-15 किलो दूध। 14-15 किलो? हाँ, दूध। 16 किलो दूध चढ़ी है। अच्छा अच्छा। दूध भी अच्छा भी करता है इसका। दो थन में है या? हाँ, दोल है। अच्छा, इसकी माँ भी नुए थी कि आई हुई थी? आई हुई थी। आई हुई थी इसकी माँ? 4 थन की थी। 4 थन की थी। अरे भी इस तीसरे ब्यात माँ पर कितनी उम्मीद कर सका है दूध की? देखो भी हो तो जो खुआ इतना देगी, अच्छा खुआ तो या 17-18 किलो 20 किलो तीन चढ़ सका है। अच्छा अच्छा। दूध ना देना, मेरा आगे कान पकड़ लिया। बात देवा देवा दी तुमने सारे भाइयों ने बताऊं, अपने पशुओं ने एलडीएम पाओ, शमा पे पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। यह एलडीएम ना हरेक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और ऑनलाइन मंगाने खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो, और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना, 80-595-37,000 में फोन कर लियो। ने अपने कप्तान नरवाल की और वीडियो बनाई थी, उनकी भी जोटी थी वह, जो पहले ब्याथ में थी। हाँ। वह भी दो थन की थी। हाँ। और वह वीडियो डलते ही एक भाई था नीरज कारोर से, वो ले गया था। हाँ। तो उनने भी भाई वह काफी अच्छी सेवा करी, आज भी घर पर रख रहे हैं, कल परसों वीडियो बना के आऊ। तो कह रहे थे भाई दो थन की मैं बहुत ही अच्छी भैंस मानूं। है तो इसका के कारण है दो थन का? शुभ मलिजा है। अच्छा। कोई भाई डेयरी कर रहा है उसमें 100-200 से 1000 भैंस हो, एक दो लोग तो किसी भैंस का कोई टोक सोक या कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। अच्छा। बताओ है डेयरी वाले। अच्छा। इस बात ने दूसरी बात घर में बांध ले
तो घर में भी इसमें मतलब कुछ कारण नहीं विषय बताए जो मतलब ठीक रहे हैं, जो गड़बड़ हो घर में तो गड़बड़ में बेटा है दोल। हाँ भाई, जो भैंस अपनी जो थनकी है यह पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, शुभ है। इसके घर में रहने से वह जो पशुपालन हमारा दिन रात चुगनी प्रगति करा है, और जो भैंस है वह पारा भी काफ़ी अच्छा बढ़ा चढ़ा है, तो एक काफ़ी अच्छी भैंस मानी जाती है, वह शुभ मानी जाती है पशुपालन के लिए। इसका पहले भी कि में कीमत लगी है, लगी है कितनी लगी है? परसों लगी इसका 1,35,000 रुपये। 1,35,000? हाँ। जो अपने कोई बाहर से आ रहे थे, किसने लगाई थी? वाकई गम में के थे। गम में के थे, 1,35 लाए हैं। तो अब कितने की बेचोगे इसके? एक लास्ट कीमत वह बता दो भाई, इस तक कम 1 रुपया नहीं बेचूंगा मैं। कम से कम 1.5 लाख रुपये मैं दूंगा इसमें। 1.5 लाख? हाँ। कोई भाई 1.49 दिन दो तो। ना ना ना, 1,000 भी नहीं तोड़ो। ये तो बोली बात आ रहे हैं, 9,000 पैसे तो क्या बात हो है, भाड़ा थोड़ा भी लगा है लगा, वो तो दूसरी बात है। अच्छा, 1,000 पैसे कोई बात नहीं होंगी। बाकी 1.5 लाख में बेचूंगा। 1.5 लाख कीमत रखी यानी क्या? 1,35,000 पीस के लाग लिए परसों। अच्छा अच्छा, गाँव का ही दे था। गाँव में का? हाँ। या दे लो अपने तीसरे बैच की झोटी है, और कल परसों 1,35 लाग गए, 10-12 दिन बयान के भी रह रहे हैं, तो ये बात काफ़ी अच्छा दिखा करेगी भाई झोटी में न खा रहा होगा। अरे भाई, थोड़ी देखने में थोड़ी ही बड़ी ही नज़र आ रही है, लेकिन जो दो थन के कारण या भाई काफ़ी शुभ मानी जाती है, तो काफ़ी अच्छी भैंस है भाई। और अंकल जी हमारे काफ़ी ग्रामीण हैं, इन्होंने का कोई भी सेल बेच का काम नहीं है, केवल घर की झोटियाँ तैयार करते हैं, साल में एक होगी या दो होगी, वही वही सेल करो जी, या और ले बेच भी कर ले। ना, कोई बेच नहीं करता, कोई लिया नहीं करता, मैं लिया नहीं हूँ। कितनी भैंस है अपने घर पर टोटल? ये दो हैं। दो हैं? हाँ, फिर माशवा है, एक कटड़ी है, वह बैठी है। अच्छा अच्छा, वह कटड़ी हो जाएगी आगे। वह है? हाँ, वह कटड़ी से की है, पलड़े बैत की। पलड़े बैत की जो आगे है या पछ है? हाँ हाँ हाँ। हमने आप यह कटड़ी देख रहे हैं, इसकी दूसरे बैत की कटड़ी है या? हाँ, दूसरे बैत की। कितने दिन हो लिए नाटी ने अंकल जी? इसने हो गए 2 महीने। 2 महीने हो गए नाटी? हाँ। तो यह कै दिन की हो रही है अपनी कटड़ी? यह ब्याई थी 1 मार्च ने। 1 मार्च ने? हाँ। और या 8-15-16 अप्रैल ने नहीं रली थी। अच्छा, 15-16 अप्रैल ने रली थी, 1.5 महीने की ब्याई। 1 मार्च ने ब्याई थी और 15-16 अप्रैल हाँ। ने दूध होगी थी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो 15-16 में 10 महीने हो गए पूरे। हाँ, हाँ। लेकिन ब्याह होगी 10.5 में, या 10 दिन हफ्ता 10 दिन फलतू लिया होगी। अच्छा, हफ्ता 10 दिन। 20-25 फरवरी को ब्याह बना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वह दो थन की भैंस है और 10 दिन इसके बयान के रह रहे हैं, और इसकी कीमत है 1,50,000। तो इसमें कुछ कम भी हो सका है जी? ना, कोई कम नहीं। कोई कम नहीं होगी भाई, फिक्स रेट है। तो एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दो वीडियो में। फ़ोन नंबर है 83-97-99-24-41। यो फ़ोन नंबर है, जिस भी भाई ने भैंस पसंद आओ, भाई दो थन की भैंस खरीदना चाहता हो, इस नंबर पर संपर्क कर लियो, जो अपना अंकल जी का ही नंबर है। वीडियो कैसी लगी सभी को भाई अपनी राय जरूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो दो थन की भैंस है उसके बारे में आपकी भी क्या क्या राय, वो भी ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।